हेलो एवरीवन, आप सभी का हलचल इन बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। दिलबर गाने की सफलता के बाद अब हर किसी को नोरा फतेही के आने वाले डांस नंबर का इंतजार रहता है। नोरा आज एक डांसर के तौर पर इतनी लोकप्रिय हैं कि कई डांसर ग्रुप अब उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए बेताब हैं। पर नोरा को यह सफलता रातों रात नहीं मिली। दरअसल नोरा एक मोरक्को कैनेडियन फैमिली से आती हैं, लेकिन उनके फैमिली रूट्स जो हैं वो इंडिया से हैं। नोरा को बचपन से ही डांस परफॉर्म करने का बहुत शौक था, लेकिन ट्रेडिशनल फैमिली में जन्म लेने के कारण उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने को कहा और इन चीज़ों से दूर रहने की हिदायत दी। नोरा ने इंटरनेट और टीवी पर वीडियो देख देख कर बैले डांस में महारत हासिल कर ली। उन्होंने कभी भी इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। नोरा अब परफॉर्म करने के लिए तैयार थी और उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। उन्हें इंडिया से शुरू से ही काफ़ी लगाव था और इंडियन बॉलीवुड गाने उन्हें बहुत पसंद थे। नोरा खुद को एक इंडियन हार्ट मानती हैं। उन्होंने इंडिया में मॉडलिंग के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी से कॉल आया और वह इंडिया आ गई। यहाँ पर नोरा का सफ़र आसान नहीं था। एक विदेशी चेहरा होने के कारण उन्हें फिल्मों में रोल मिलना मुश्किल हो रहा था। आउटसाइडर होने के कारण कई लोगों ने उनसे काम तो लिया पर उन्हें पेमेंट नहीं किया। नोरा को आउटसाइडर होने का बहुत नुकसान भरना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें कुछ डांस नंबर ऑफर होते रहे, लेकिन कईयों ने उन्हें सलाह दी कि डांस नंबर करने से उनकी छवि खराब हो सकती है और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा। अब तक नोरा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रही थी, पर उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। 2015 में नोरा ने बिग बॉस 9 में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली। वहाँ पर प्रिंस नरेला से उनके अफेयर की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन नोरा का कहना है कि प्रिंस यह सब सिर्फ शो के लिए कर रहे थे। उनका कभी भी प्रिंस से कभी कोई सीरियस अफेयर नहीं रहा। उन्होंने रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया। नोरा अब तक कई तमिल फिल्मों में और बॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रही, पर उन्हें कोई पहचान नहीं मिल रही थी। नोरा को लोगों ने तब पहचाना जब सत्यमेव जयते फिल्म से उनका एक गाना दिलबर सॉन्ग रिलीज हुआ। इस गाने ने 24 घंटे में 20 मिलियन से भी अधिक व्यूज यूट्यूब पर क्रॉस कर लिया था और सबसे कम समय में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाली यह पहली इंडियन वीडियो थी। इंडिया में ऐसा पहली बार किसी डांस नंबर के साथ हुआ था। नोरा फतेही रातों रात कई डांसर्स की पसंदीदा बन गई। उन्होंने डांस नंबर को एक अलग ही पहचान दे दी थी। नोरा ने इंडस्ट्री में अंगद बेदी, जो कि अब नेहा धूपिया के पति हैं, उन्हें डेट किया था और बाद में वरिंदर घुमन, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं, उन्हें डेट किया था। नोरा इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और अरबिक बोलना जानती हैं। नोरा को अब तक आपने बाहुबली के मनोहरी सॉन्ग, बाटला हाउस के ओसा किसा की, स्त्री के कमरिया जैसे गानों पर आइटम नंबर करते हुए देखा होगा। ये सच है कि नोरा के फॉरेन लुक के कारण इंडस्ट्री उन्हें एक्ट्रेस के तौर पर शायद कोई बड़ा काम ना दे, लेकिन डांसर के तौर पर इस इंडस्ट्री ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। एक तरह से कहा जाए तो नोरा ने बॉलीवुड में बैले डांस को रीइंट्रोड्यूस किया है और आइटम नंबर को ग्लैमर सॉन्ग के बजाय उसे एक बेहतरीन श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अब लोग आइटम सॉन्ग में उनकी बॉडी देखने के लिए नहीं, डांस मूव देखने के लिए बेताब रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।